स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज कंफर्म। लिख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करा था, और न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कि जो एनर्जी देने वाले होते हैं उसमें से एक था कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम सेकेंड वाला न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, विच इज आपका प्रोटीन। तो हेडिंग डालेंगे आज प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है आपका ये कितने तरह का होता है, किन किन चीजों से मिलता है आपको, आपके अंदर कितने तरह के प्रोटीन्स हैं, कितने तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। चलिए करें स्टार्ट। हेडिंग डालिए प्रोटीन्स। हिंदी में भी इसे प्रोटीन ही कहेंगे, प्रोटीन। हिंदी में भी इसे प्रोटीन ही कहा जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बेसिकली जो प्रोटीन है ये आपके मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है। प्रोटीन जो है ये मसल्स बिल्ड करने में मदद करता है। इसकी जो डिस्कवरी है वो करी है ब्रिजीलियस एंड मॉल्डर ने। डिस्कवरी लिख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन नाम याद रखना इनका आपने, ब्रिजीलियस एंड मोल्डर। ब्रिजीलियस एंड मोल्डर, ब्रिजीलियस एंड मोल्डर, तो ये दो लोग हैं जिन्होंने प्रोटीन्स की खोज करी है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ आपकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है, आपकी बॉडी जो है वो कोशिका से मिलकर बनती है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ आपकी जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर बनती है, यानी आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कोशिका है। और अलग अलग तरह की कोशिका होती है, आपके दिमाग की कोशिका अलग है, फेफड़ों की अलग है, सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था जो कार्बोहाइड्रेट है उसका भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, और वैसे ही आपका प्रोटीन का भी स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही पिछले क्लास में। प्लीज टाइप कीजिए फटाफट से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लीज जल्दी से करिएगा, जरा टाइप कीजिए जल्दी से। जिन्होंने भी पिछली क्लास अटेंड करी है प्लीज टाइप, जल्दी टाइप कीजिए कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो मैं बता चुकी हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। जल्दी बताएंगे प्लीज। नहीं पता तो तब भी बता दो, नहीं पता तो, नहीं पता है तब भी बता दो। नहीं पता बेटा, फिर पिछली क्लास में क्या किया आपने मुझे बताओ। अगर ये इतनी छोटी सी चीज नहीं पता तो इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी
वो कैसे याद आएंगी? सैकराइड याद नहीं है आपको? सैकराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट सैकराइड थी, मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड, आप भूल गए हो, भूल चुके हो ये सब। मोनोसैकराइड के इतने सारे एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, पॉलीसैकराइड के एग्जांपल्स दिए थे, डाइसैकराइड के एग्जांपल दिए थे, कुछ कुछ भी पता नहीं है आप लोगों को। क्या रिविजन करते हो फिर मुझे बताओ आप? सिर्फ क्लासेस लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। चलिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो छोटी यूनिट थी वो सैकराइड थी, वैसे ही जो आपके प्रोटीन्स हैं इनकी सबसे छोटी यूनिट्स जो रहेगी वो रहेगी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड सबसे छोटी यूनिट है इसकी, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका फॉर्मूला क्या है। ये जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको हम बनाते हैं मिथेन से। तो मिथेन का, जिन्होंने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा, CH4 करके एक फॉर्मूला होता है जिसे मिथेन कहते हैं हम। ठीक है, तो इस मिथेन में मैं क्या करूंगी, 2H हटाकर एक जगह अमाइनो ग्रुप लगाऊंगी और दूसरी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एंड NH2 लगा दूंगी यहाँ पे, विच इज अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो एसिड का ये एक तरीके से फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगाया है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? तो ये याद रखेंगे आप कि ये रहा इसका फॉर्मूला। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं ये, या प्रोटीन जो होते हैं ये, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो होता है, जैसे मैंने आपको पिछले सैकराइड उसमें बताया था ना, जैसे मैंने आपको पिछले जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कार्बोहाइड्रेट है और सैकराइड है, और सैकराइड सैकराइड जो है आपस में जुड़ते हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। वैसे ही ये जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अब पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि क्या, देखेंगे आप यहाँ पे। तो एक तरीके से मान लो, मतलब बड़े सारे अमाइनो एसिड मिलकर बनाएंगे ना इसको, प्रोटीन को। तो NH2 को मैं HNH भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां मैं मान लो मैंने लगा दिए कोई अल्काइलिक ग्रुप। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको क्या होते हैं ये, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। फिलहाल एक और अमाइनो एसिड का ग्रुप जिसमें कि मैं COOH करके लिख रही हूँ। ठीक है, HNH वही है, NH2 बेसिकली सिंपली वही है, NH2 एंड H। ठीक है, एक और लगा रही हूँ, CH, H, 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 N, H, ऐसे करते करते बड़े सारे लगेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो ये H2O बन रहा है, तो ये H2O भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे ये पानी रिलीज होगा इस अमाइनो एसिड्स वाली ग्रुप से, तो बचेगा जो वो ये रहेगा CHROOC, HNOC, CH, HNCO, तो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है ना, इसी को ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ये जो है आपका, इसी को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और ऐसे ही बड़े सारे बॉन्ड आगे पूरी चेन में लगते हैं, जिसके कारण प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। पॉली मीन्स मैनी, पॉली पेप्टाइड भी कहा जाता है, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम।
तो इस तरीके से इसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अगर मैं आपको कहूं तो सबसे ज्यादा अगर अमाइनो एसिड पाया जाता है आपकी बॉडी में तो वो है आपके मसल्स, यानी कि प्रोटीन सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो वो है आपके मसल। मतलब एक तरीके से मसल्स से ही, मसल को ही बिल्ड करने के लिए ये काम आते हैं। ठीक है, अगली बात आप जो लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 3 ग्राम कैलोरी होती है, सॉरी 3 कैलोरी एनर्जी होती है, 3 कैलोरीज एनर्जी होती है, वैसे ही 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी देखने को मिलेगी आपको, 4 कैलोरीज आपको देखने को मिलेगी, यानी 1 ग्राम प्रोटीन खाकर आपको इतनी एनर्जी देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं ना तीनों में से, जो कि हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों में से अगर सबसे ज्यादा किसी में एनर्जी होती है तो वो है फैट, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और जो सबसे कम होती है वो पाई जाती है किसमें, आपके कार्बोहाइड्रेट में। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ये भी आपको पता ही है कि एनर्जी कंपाउंड है, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं ये काफी टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, तो एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, के कार्बोहाइड्रेट्स को आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं खाते ही, ठीक है जी, क्लियर है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स को स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ा जाए तो कौन सा एक तरीके से बनता है, तो वो है आपका अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स को ब्रेक करके अमाइनो एसिड बनता है, और बड़े सारे अमाइनो एसिड ही मिलकर क्या बनाते हैं आपका प्रोटीन, और इन्हें जोड़ने वाला जो है वो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो कि मैं आपको थोड़ा इस रिएक्शंस के थ्रू भी दिखा चुकी हूँ, तो जिन्हें जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उनको तो अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन थोड़ा मैं अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यानी कि क्या, पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि क्या, पॉलीपेप्टाइड कैसे बना, तो इसीलिए आपको ये मैंने बता दिया है, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड्स की मैं बात कर रही हूं ना, कि जो अमाइनो एसिड है ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो आपकी बॉडी में ना 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल्स, तो लिखिए आगे हेडिंग डालिए, ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कि आपकी बॉडी को बॉडी में पाए जाते हैं, अमाइनो, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें कि 10 आर एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड 10 आर नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब पटवारी के एग्जाम में तो एक कतई नहीं पूछा जाएगा आपसे कि अमाइनो एसिड्स के नाम बताइए कि कितने तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप कोई पीसीएस का एग्जाम देते हैं उसमें आपको ऐसा कोई चीज पूछी जा सकती है, इसीलिए, और पता नहीं कब टफ हो जाए आपका एग्जाम, कब ना हो, मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल लिख लीजिए आप, याद करना ना करना आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा आपको क्या ठीक लगता है। एसेंशियल मतलब एसेंशियल वाले वो रहेंगे जो कि हमें फूड के थ्रू मिलते हैं, एंड नॉन एसेंशियल वाले वो रहेंगे जो कि हमें हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के ही अंदर पाए जाते हैं, तो एसेंशियल वाले में आप लिखेंगे, टफ लगेंगे आपको थोड़े नाम इसके, बट ठीक है मैं लिखवा दे रही हूँ, याद करने हैं करो, नहीं करने मत करो, लेकिन अगर कोई और है जो पीसीएस का एग्जाम देना चाहता है, या अगर कोई थोड़ा बहुत अच्छा एसएससी का एग्जाम देना चाहता है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इजीली आ जाएगा ये आपको उस तरह के पेपर में, लेकिन एचपी प्रवाही में तो मुश्किल है ऐसा आना। आइसो ल्यूसिन अमाइनो एसिड का नाम है ये, सेकेंड वन इज ल्यूसिन, थर्ड वन इज लाइसिन, फोर्थ वन इज 309, फिफ्थ वन इज ट्रिप्टो
चलिए बाकी तो आपको नहीं पता होगा, बाकी तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन याद कीजिए ये ट्रिप्टोफैन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपके दूध में पाया जाता है अमाइनो एसिड, और ये जो है आपकी स्लीपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। यही अमाइनो एसिड है जिसके कारण इंसान को अच्छी नींद आती है। और मैंने आपको बताया भी था कि कई बार हमें रात को दूध पीने के लिए कहा जाता है कि दूध अच्छा होता है रात के पीने के लिए, क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है। तो दिन को या सुबह भी आप पियेंगे कभी दूध, तो आपको थोड़ी थोड़ी नींद का एहसास होगा, क्योंकि इसमें पाया जाता है ये ट्रिप्टोफैन। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि ये मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज मेथियोनाइन। मेथियोनाइन मेथियोनाइन फिनाइललनाइन फिनाइललनाइन वेलाइन। अब ये तो हो गए आठ, जिसमें से कि ये आठ जो है ना ये काफी एसेंशियल है, काफी ज्यादा एसेंशियल है। इनमें से दो नॉन, मतलब सेमी एसेंशियल बोल लो उनको, नॉन एसेंशियल ना बोलकर सेमी एसेंशियल, यानी कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, उन दो के भी नाम लिख लीजिए। आर्जिनाइन एंड हिस्टिडिन। हिस्टिडिन या ये हिस्टिडिन आपको पता होगा थोड़ा बहुत, इसलिए ये सेमी एसेंशियल्स हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को बेटा? इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? लिखिए इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्या इतना क्लियर है आपको? कोशिश कीजिएगा ऐसे याद करने की। वैसे अगर याद नहीं होता तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आई एल स्क्वायर टी स्क्वायर एम पी वी, आई एल स्क्वायर टी स्क्वायर एम पी वी। आई से आपका आइसोल्यूसिन बन जाएगा, एल स्क्वायर यानी कि ल्यूसिन एंड लाइसिन, टी स्क्वायर यानी थ्रियोनाइन एंड ट्राइप्टो पेन, एंड एम यानी मेथनोइन मेथियोनाइन, पी यानी फिनाइलनाइन एंड वी यानी कि वलाइन। तो आपने मेनली यही याद करने, अगर आएगा भी तो यहां से आपको आएगा, तो ये आपने पढ़ लेना है आराम से, आईस आई एल स्क्वायर टी स्क्वायर एम पी वी, ताकि आपको ये याद रहे। रिवाइज कीजिए इसे, दो मिनट लिखिए आराम से, रिवाइज कीजिए। चलिए आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये आपके 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है आपकी बॉडी में पाए जाने वाले। 10 नॉन एसेंशियल भी लिख लीजिए, जो कि ये तो बाय फूड, मतलब ये आपको मिलते हैं बाय फूड, फूड के थ्रू आप ये लेते हैं। और नॉन एसेंशियल 10 जो है ये विदाउट, मतलब सॉरी, जो आपकी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, तो इनको लिख लीजिए एक बार। फर्स्ट है आपका, लिख लीजिए बगल में इधर, बाय बॉडी। ये किससे, इसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपके शरीर के द्वारा ही बनते हैं। तो लिखिए एलेनाइन, एलेनाइन एस एस पेरेगाइन एस्पार्टिक एसिड
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, सिस्टीन, सेराइन, प्रोलाइन, एंड टेंथ वन इज टायरोसाइन। इसका भी लिख लीजिए, ए क्यूब सी, सॉरी जी, ए क्यूब जी क्यूब, ए क्यूब जी क्यूब सी एस पी टी, पीएस पीटी। सी एस पीटी, ये रहा आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? यहां तक आपने कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से, यहां तक आपने कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से। ये कल तक याद होनी चाहिए आपको, पहली बात तो यही है। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे करते हैं हम। ये तो बात थी अमाइनो एसिड्स की। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। अब उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो आप फूड के थ्रू लेते हैं, ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं कैसे भी करके। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रोटीन्स यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं बेसिकली बता देती हूँ आपको कि एक वर्ड है एंजाइम, एंजाइम। ये एंजाइम अगर मैं बताऊं तो क्या है एंजाइम, बेसिकली क्या है तो मैं बता देती हूँ आपको। एंजाइम हम उसे कहते हैं जो कि हम कोई भी चीज खाते हैं, रोटी, सब्जी, चिकन, मटन, मतलब जिनके थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं, ये जितनी भी चीजें लेते हैं, इन सबको ब्रेक डाउन करना, यानी कि छोटे, एक छोटे कॉम्प्लेक्स उसमें बनाना, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे, एक तरीके से छोटे 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 टुकड़ों में बांटना, ये काम है आपके एंजाइम का। तो बेसिकली आप जितना भी खाना खाते हैं उनको ब्रेक जो करता है, ब्रेक डाउन जो करता है, वो करता है एंजाइम। अब ये एंजाइम जो है ना, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, एंजाइम भी एक प्रोटीन। तो एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं। अभी मैंने कुछ एक दो क्लास पहले आपको बताया, हॉर्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, जूस निकलते हैं। तो जो हॉर्मोन्स है ना, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। ठीक है। तो थोड़ी सी आपने ये दिमाग में रखनी है बातें। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो 22 तरह के प्रोटीन आपकी बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, लिखिए, ह्यूमन बॉडी नीड्स 22 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब इनमें से जो 12 हैं, 22 में से जो 12 हैं, वो हैं आपकी जो बॉडी खुद बनाती है, बॉडी द्वारा बनाए जाने वाले, आपके बॉडी द्वारा बनाए जाने वाले, और जो बाकी के 10 हैं ये आप लेते हो थ्रू डाइट, मतलब खाने के जरिए, थ्रू डाइट या थ्रू फूड। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है?
12 जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, मैं उन प्रोटीन्स के नाम आपको लिखवा देती हूँ और कहाँ कहाँ वो बनते हैं या पाए जाते हैं। सबसे पहले तो कुछ 6-7 प्रोटीन्स हैं जो आपकी जो बॉडी है उसमें एक तरीके से ब्लड जो होता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, उस प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये प्रोटीन्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये पाए जाते हैं आपके ब्लड में, इसीलिए इन्हें ब्लड प्रोटीन भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये आपका मान लीजिए ब्लड है, आई थिंक मैंने आपको बताया भी है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ब्लड में दो तरह की चीजें, एक तो ब्लड में होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट कंसिस्ट ऑफ आपके सेल्स, जो ब्लड सेल्स हैं कोशिकाओं से, एंड लिक्विड पार्ट इज ऑफ प्लाज्मा। अगर ब्लड की बात करें तो उसमें 45% आपका, सॉरी 45% आपका ये पार्ट होता है, 55% आपका पाया जाता है लिक्विड पार्ट। सेल्स जो है तीन तरह की पाई जाती है आपके ब्लड में, एक है आपकी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, दूसरी है आपकी WBC यानी सफेद रक्त कोशिका, तीसरी है आपकी प्लेटलेट यानी बिंबाणु। तो ये हैं। बाकी अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है आपका, इसमें 90% तो आपका वाटर ही पाया जाता है, पानी ही पाया जाता है। इसके अलावा 1% आपके कुछ, सॉरी 9% आपके पाए जाते हैं ये प्रोटीन्स जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, 9% ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 1% पाया जाता है ग्लूकोज एंड मिनरल्स, ग्लूकोज एंड मिनरल्स। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वो मिनरल, सॉरी ये वो प्रोटीन्स है जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जिन्हें ब्लड प्रोटीन कहा जाता है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के प्रोटीन्स हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे पाए जाते हैं आपके कहाँ, ब्लड में। बता चुकी हूँ आपको मैं पहले भी इनका कि ये रक्त का थक्का जमाने के काम आते हैं बेसिकली। ठीक है, इनका काम है ब्लड को क्लॉट करवाना, जिसमें मेनली जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज फाइब्रिनोजन। ठीक है जी, अगला प्रोटीन जो आपकी बॉडी बनाती है दैट इज कैरेटीन। तो कैरेटीन आपको पता ही है कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपके हेयर्स में, ठीक है, हेयर में, आपके नेल्स में, नाखून में और आपके बालों में आपको ये प्रोटीन देखने को मिलेगा, नाखून में और बालों में ये प्रोटीन देखने को मिलेगा। अगला प्रोटीन है हिपेरिन। हिपेरिन, हिपेरिन अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमारी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको हिपेरिन प्रोटीन की बात बताई थी कि कैसे हिपेरिन प्रोटीन वो है जो कि एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ये आपके रक्त का थक्के मतलब थक्का एक तरीके से जमने नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को ना होने से एक तरीके से काम करता है, ना होने के लिए। ठीक है, तो ये पाया जाता है, इसे जो बनाता है वो है आपका लीवर। ठीक है, तो लीवर में ये प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन ये भी आपका जो बोन्स हैं, हड्डियां आपकी, वहां पे पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। उसके बाद है आपका एक्टाइन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये दोनों ही आपके मसल्स में बनते हैं, मसल यानी मांसपेशियां, दोनों ही आपकी मांसपेशियों में बनते हैं, मांसपेशियां, मांसपेशियां, मांसपेशियों में बनते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोलेजन। कोलेजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर सबसे अबंडेंस में कोई एक तरीके से प्रोटीन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है आपका कोलेजन, और ये पाया जाता है आपके स्किन में। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे सीरम आजकल आ रहे हैं, या ऐसी क्रीम कोई ऐसी आ जा रही है, कुछ कुछ भी चीजें सीरम्स हैं, फेस वॉश है, ये वो, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन को बूस्ट करता है यानी कि आपकी स्किन को अच्छा करेगा, कोलेजन अच्छा रहेगा आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट
प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज कोलेजन। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन है जो पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी टेट में, टीजीटी मेडिकल टेट में। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। क्लियर है जी इतना आपको? ठीक है जी, कितना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे आपके वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी बनाती है, ये वो प्रोटीन थे जो आपकी बॉडी बनाती है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो आप थ्रू डाइट लेते हो, अभी बताया था मैंने आपको। ऐसे प्रोटीन्स आप थ्रू डाइट लेते हो वो चार पांच हैं जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो मैं उनका नाम आपको लिखवा देती हूँ। लिखिए ऐसे, अरे थ्रू डाइट, ठीक है, प्रोटीन जो कि हम डाइट के थ्रू लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला है कैरोटीन। कैरोटीन, ये जब मैंने आपको विटामिन ए करवाया था तब भी इनका नाम लिखवाया था मैंने आपको, कैरोटीन। तो बता चुकी हूं मैं कि ये आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है ये वाला प्रोटीन। और बात करें कि किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कैरेट में। मैं कह चुकी हूँ कि ये आपके रेटिना के लिए काफी अच्छा होता है, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। सेकेंड प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये पाया जाता है आपके अंडे में, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। ये पाया जाता है एग में, और एग की अगर बात करें तो एग में, होल एग में नहीं पाया जाता है, एग का जो आउटर पार्ट होता है ना, व्हाइट पार्ट, व्हाइट एग, व्हाइट में। आपने देखा होगा जो जिम शिम जाने वाले लड़के होते हैं वो पूरा एग खाना अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ बाहर का जो व्हाइट पार्ट होता है बॉइल्ड वो खाते हैं, जो येलो पार्ट होता है वो कुछ एक दो अंडों का खाते हैं, बाकी सारा व्हाइट पार्ट खाते हैं। क्योंकि जो येलो पार्ट होता है, जो योक होता है एग का, उसमें फैट पाया जाता है एक प्रकार का, तो जो बाहर का व्हाइट पार्ट है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए मैं बताया ना आपको कि प्रोटीन जो है ये मसल बिल्डिंग में काम करता है, तो एग इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ, स्पेशली एग व्हाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सोयाबीन हो गया, आप जो अंडे नहीं खाते हैं कुछ नहीं ऐसा कुछ, तो वो दाल और अंडों, सॉरी दाल और ये जो आपका सोयाबीन होता है इसको एज अ प्रोटीन की तरह लेते हैं। और अगर जिम वालों की बात करें जो नॉन वेज खाते हैं, तो वो आपने देखा होगा चिकन ब्रेस्ट हो गया, बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट, या फिर शैलो फ्राई चिकन ब्रेस्ट, या फिर ये रहा आपका एल्ब्यूमिन खाते हैं, यानी कि एग व्हाइट खाते हैं जिसमें की पाया जाता है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, तो एक तरह का प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में या मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तीसरा है आपका केसीन प्रोटीन। केसीन ये पाया जाता है आपके मिल्क में, दूध में। बेटा ये याद कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है पटवारी में कि केसीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, कैरोटीन किसमें पाया जाता है, एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ चलो एमाइनो एसिड तो हो सका तो स्किप कर सकते हो आप, लेकिन पटवारी के लिए ये तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इवन एचपी पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड भी ये स्किप ना करें, केसीन प्रोटीन। अगला है जिलेटिन। ये पाया जाता है कोकोनट में। जिलेटिन पाया जाता है आपका कोकोनट में। अगला है ल्यूकोपीन, जो कि टमाटर में पाया जाता है। ल्यूकोपीन, इट इज इन टमाटो, ल्यूकोपीन। अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन एक तरीके से किसमें पाया जाता है खाने वाली चीजों में, तो सोयाबीन और ग्राउंड नट है, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ग्राउंड नट लिख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रोटीन
जो पाया जाता है दैट इज इन सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और सोयाबीन को सोयाबीन ही कहते हैं। बेसिकली इनमें काफी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो जैसे जो लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या ऐसा कुछ, तो वो मूंगफली से उनको वो प्रोटीन मिल जाती है। कई लोग तो बादाम अफोर्ड करते हैं तो सुबह उठ के बादाम खा लेते हैं या जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए गरीबों का बादाम है ये मूंगफली। ठीक है जी, क्लियर रहती बात। क्लियर है जी इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके कुछ प्रोटीन्स जो कि आप थ्रू डाइट लेते हैं, तो ये याद रखना है आपने। चलिए आगे मैं आपको बताऊं कि अगर हमें चेक करना हो कि किस फूड में प्रोटीन है और किस में नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम एसिड और बेस चेक करने के लिए एक लिटमस टेस्ट करते हैं कि अगर रेड निकला तो ये होगा, रेड लिटमस पेपर टेस्ट या ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट, वैसे ही एक इसका भी टेस्ट होता है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि किस में प्रोटीन है, किस फूड में प्रोटीन है और किस में नहीं है। तो आइए टेस्ट का नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। लिखिए ब्यूरेट टेस्ट, टेस्ट का नाम है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक सॉल्यूशन में डाला जाता है, इसे एक सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो अगर अगर वो सॉल्यूशन पर्पल पर्पल हो गया तो यानी कि रिजल्ट है पॉजिटिव, और अगर कलर ट्रांसपेरेंट ही रहा यानी कि रिजल्ट है नेगेटिव। तो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के जरिए दिखा देती हूँ ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट ब्यूरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन, नाम याद रख लेना ब्यूरेट टेस्ट। देखो यहां पे ये सिंपल था, इसमें डाल दिया गया, अगर पर्पल आया तो पॉजिटिव रिजल्ट, अगर नेगेटिव ट्रांसपेरेंट रहा या ब्लू रहा तो नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है जी, मतलब ब्लू कलर होगा तो प्रोटीन एब्सेंट है, और अगर ब्लू कलर पर्पल कलर होगा तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और ब्लू कलर होगा तो प्रोटीन एब्सेंट है। याद रख लेना, ब्लू कर लो इसको, ब्लू है। इतना क्लियर है आप लोगों को बेटा, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्यूरेट टेस्ट आपने याद रखना है। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि प्रोटीन्स जो होते हैं, कोई भी चीज जैसे जैसे कहा जाता है कि सही मात्रा में ही अच्छी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आरबीसी अगर सही मात्रा में तो सही है, अगर कम मात्रा में पाई जाती है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तब भी दिक्कत है। तो कोई भी चीज है उसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। वैसे ही मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दूं कि प्रोटीन के बारे में बता दूं कि प्रोटीन जो है ये भी अगर ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत आ जाती है, और कम हो जाए तब भी दिक्कत आ जाती है। तो प्रोटीन ज्यादा हो जाए तब तो बाद की बात है, मैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां आपको बता देती हूँ। तो लिख लीजिए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज।
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। दो नाम लिख लीजिए, फिर मैं आपको इनकी फोटो दिखा के बता दूंगी कि ये किस तरह के रोग हैं। पहला है क्वाश्योरकर, क्वाश्योरकर एंड सेकेंड वन इज मेरिस्मस, मेरिस्मस। दोनों में ही क्या हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ठीक है, और ये दोनों ही बच्चों में देखी जाती है। बेसिकली 1 से 2 या 1 से कुछ 5 साल के बच्चों के अंतर्गत ये देखी जाती है। ठीक, 5 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती है। लेट्स सी कि कैसे ये बीमारी है। इसमें शरीर फूल जाता है बच्चे का, और इसमें बिल्कुल सिकुड़ जाता है, यानी कि इसमें प्रोटीन के साथ आपको एनर्जी भी कम देखने को मिलेगी, एनर्जी भी कम देखने को मिलेगी। जो गरीब लोग होते हैं, जैसे जिनको 2 वक्त का खाना नहीं जुड़ता है, उनके बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है, मेरेस्मस। ठीक है, तो लेट्स सी ये कैसा है। तो इसमें जो क्वाशियोरकर डिजीज है ना, इसमें जो बच्चा है जब थोड़ा सूज जाता है, उसके पैर भी सूज जाते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, फोटो दिखा देती हूँ। क्वाशियोरकर एंड मरासमस, थोड़ा रियल इमेज दिखे ना, ये थोड़ा कार्टून्स में ना। ये क्वाशियोरकर है, ये भी क्वाशियोरकर है, ये देख सकते हैं आप थोड़ा। ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, इसे जो बीमारी हुई है वो है मैरास्मस, मैरास्मस, जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है, और साथ में एनर्जी की भी कमी है, यानी कि बिल्कुल ही एक माल न्यूट्रिशन, जिसको बोले माल न्यूट्रिशन के कारण। अब ये जो है, इस बीमारी को कहा जाता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, जिसमें कि आप देख पाते हो इनके पैर भी सूजे हैं, इनकी स्किन भी इंफेक्टेड हो जाती है, पिंपल्स और ये सब आना स्टार्ट हो जाते हैं, फेस भी सूज जाता है। इस फेस को मून फेस कहते हैं, मून फेस, यानी कि फेस एक तरीके से सूज जाना, मून फेस। तो देखिए कैसे हाथों में, पाँव में, पेट में, स्पेशली इनका जो पेट है वो काफी सूज जाता है। तो ये डिफरेंस है, दोनों ही बीमारियां माल न्यूट्रिशन से हो रही हैं, माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की कमी से। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से क्या डिफरेंस है क्वाशियोरकर एंड मरास्मस में। आपको पूछ सकते हैं ये किस कारण ये बीमारियां होती हैं, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं ये बीमारियां, दोनों ही माल न्यूट्रिशन के कारण होती हैं। क्लियर है जी? जब प्रोटीन ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत आती है इंसान को, तब भी दिक्कत आती है, फैटी लीवर जैसी बीमारियां देखने को उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको इंटरनली तो बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अबंडेंस में, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो है आपका कोलेजन, जो कि आपकी स्किन में पाया जाता है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो भी आपका स्किन ही है, सबसे भारी अंग लीवर है, लेकिन सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका स्किन है। जैसे बड़ी नदी और लंबी नदी में फर्क होता है, वैसे ही बड़े और भारी में भी फर्क होता है। बड़ा यानी कि एरिया में, और उसमें बड़ा तो वो स्किन है आपका, और भारी यानी वेट वाइज जो सबसे भारी है वो आपका लिवर है। तो जैसे कि आपका स्किन सबसे बड़ा अंग है, तो उसमें पाए जाने वाला प्रोटीन ही सबसे ज्यादा अबंडेंस में होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो चीजें आपको इसमें याद रहेंगी, एक तो सबसे बड़ा ऑर्गन प्लस सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन। तो आपने याद रखना है कि जैसे आपका जो
स्किन है वो सबसे बड़ा अंग है, तो उसके अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन, वो सबसे ज्यादा अबंडेंस में है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन में वो है। लेकिन अगर मैं बात करूं डाइट के थ्रू जो हम प्रोटीन लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया कैरोटीन पढ़ा हमने, एल्ब्यूमिन पढ़ा हमने, केसीन पढ़ा, दूसरा आपका ग्लूटेनिक पढ़ा, फिर आपका ये ल्यूकोपीन पढ़ा, तो ये सारे हमने प्रोटीन्स देखे जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। तो इनमें से जो आपका ये प्रोटीन है ना, केसीन प्रोटीन, ये हम डाइट के थ्रू लिया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ठीक है। नॉर्मली ऑन द एवरेज जो देखा जाता है कि केसीन प्रोटीन सबसे ज्यादा लिया जाता है, केसीन प्रोटीन। आगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ ये सारी आपकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, ये कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं इसमें। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया है, तो कुछ और चीजें करते हैं इसमें। लास्ट चीज जो बचती है वो है आपकी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, यहां से भी बन सकता है क्वेश्चन आपको। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के प्रकार सबसे पहला लिखिए सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन साधारण प्रोटीन हम ऐसे प्रोटीन को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक तरह का प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, इट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरह के प्रोटीन से बनता है। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूमिन। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया कि एल्ब्यूमिन जो है ये आपका लीवर में बनता है। इसका मैं अगर काम बताऊं आपको, तो इसका काम है जो आपके आपको जो ब्लड बहता है ना, जिन पाइप्स में, जिन वहिकाओं में, वेसल्स में, उन वेसल्स में से ये एल्ब्यूमिन ही होता है जहां से उन वेसल्स में से उस ब्लड को लीक नहीं होने रहता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसकी कमी हो जाएगी अगर इस प्रोटीन की, तो काफी दिक्कतें आएंगी, ठीक है जी। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन लिखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है हिंदी में से कहेंगे संयुग्मित प्रोटीन, यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ कोई एक और प्रोटीन जुड़ा हो या तो कोई और चीज जुड़ी हो, ठीक है। तो लिख लीजिए मेड ऑफ टू प्रोटीन्स। देखना आप ध्यान से, इसका एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। अब जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है ये आपके रक्त में पाया जाता है, जो कि कारण है आपके रक्त के लाल होने का, यानी कि आपके ब्लड के रेड होने का कारण ही क्या है ये, इसे एक पिगमेंट कहा जाता है, कि एक तरीके का ये पिगमेंट है जिसके कारण आपका जो ब्लड है वो लाल होता है। और ब्लड में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड में आपकी तीन तरह की सेल्स होती हैं, जिसमें कि ये पाया जाता है आपका RBC में, यानी लाल रक्त कोशिका में। हीमोग्लोबिन को अगर मैं तोड़ू तो हीम का मतलब होता है लोहा, यानी आयरन, और ग्लोबिन की बात करूं तो यानी कि ये क्या है आपका प्रोटीन। तो बेसिकली ये एक प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके साथ क्या लगा हुआ है, लोहा। इसका एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्जुगेटेड का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, टू प्रोटीन हो या फिर प्रोटीन के साथ कुछ चीज अटैच हो, उसी को हम क्या कह देंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये याद रखना है, लास्ट टाइप ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड प्रोटीन।
डिराइव्ड प्रोटीन, लिखिए इसके बारे में, मैं जैसा लिखूंगी वैसा लिख लेना थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में। लिखिए, जो प्राकृतिक प्रोटीन यानी नेचुरल प्रोटीन के अंदर बदलाव से बनते हैं, के अंदर बदलाव से बनते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जो आपका जो नेचुरल प्रोटीन होगा उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें चेंजेस करेंगे हम, उसके बाद जो बनेगा। इसका एग्जाम्पल मैं सबसे अब आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसे ये वैसे तो ये प्रॉपर, बट मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर जब आप प्रोटीन लेते हैं एज अ डाइट, ठीक है, प्रोटीन लेते हैं, मान लीजिए पनीर खा लिया आपने, ठीक है,